तो जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोग कल मॉक टेस्ट रखेंगे एक ठो, यस और नो बताया था ना मैंने, कल हम लोग मॉक टेस्ट रखे हैं एक ठो। तो मैं चाहता हूं कि जो भी चैप्टर का मैं मॉक टेस्ट रख रहा हूं उसका कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा दूं। आई नो हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट बचा हुआ है, बट फिलहाल हम लोग का डायरेक्ट डायरेक्शन टेस्ट एंड नंबर सीरीज का मॉक टेस्ट है। तो उसके पहले मैं गो थ्रू करा देना चाहता हूं आपको कुछ सम से। और तो जैसे कि स्क्रीन पर सबको दिख रहा है, यस ग्रुप में आया है क्या पीडीएफ, चेक करिए हाँ सर, आया है। ग्रुप में आया पीडीएफ। चलिए तो पहला वाला एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, जब हम लोग एफओडी निकाल रहे हैं, एफओडी में इट इज डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस टर्म प्लस 4। एफओडी में क्या आया है मेरा, डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस टर्म प्लस 4, प्रीवियस टर्म का डिफरेंस प्लस 4, दिस इज द रूल ओवर हेयर। तो 5, 9, 9 के बाद 13, तो 16 प्लस 13 कितना आता है, 29। तो मेरा मिसिंग टर्म आ गया 29। इज एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर टू एवरीवन? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। आपको क्या निकालना है, पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकालना है, एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकालने के बाद आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि चार चार का डिफरेंस है, 5 के बाद 9, 9 के बाद 5 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, और यहां पर आप 25, 21 आ रहा है। तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि चार चार का डिफरेंस है। 29 प्लस 17 कितना होता है, 46 होता है ना। तो हम लोग ने चेकिंग भी कर लिया। अब नेक्स्ट वाले में रॉन्ग टर्म निकालना है, तो 1 से लेकर 20 तक का क्यूब याद करने बोला गया था, तो 8, 27, 64, 125, 216, 343। तो 8 की जगह 9 है, 64 की जगह 65 है, मतलब Q+1 इज द टेक्निक। तो मेरा रॉन्ग टर्म हो जाएगा 29। क्योंकि वो सर +2 हो गया। वेरी गुड, मेरा रॉन्ग टर्म हो जाएगा 29। चलिए एग्जाम्पल 2 भी क्लियर है सर हम लोग को। फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 7 9 11, ऑड नंबर है, तो 11 के बाद क्या आता है, 13। तो 13 का स्क्वायर इज 169, 13 का स्क्वायर इज 169। देन हम लोग अल्फाबेट सीरीज में आए थे, अल्फाबेट सीरीज में हम लोग क्या कर रहे थे, सबका फर्स्ट पोजीशन को कंपेयर कर रहे थे। तो फर्स्ट पोजीशन में दिख रहा है एक छोड़ के दूसरा, एक छोड़ के दूसरा, तो अगर बी सेकेंड स्पॉट पे है तो बी के बाद डी आ रहा है, मतलब +2 हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन में +2 हो रहा है, के उसके पहले जे, मतलब सेकेंड पोजीशन में -1 हो रहा है, और थर्ड पोजीशन में +1 हो रहा है। रिलेटिव चेकिंग करना है हम लोग को, मैन टू मैन मैपिंग, हम लोग को मैन टू मैन मैपिंग करना है, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ में, सेकेंड का सेकेंड के साथ में, थर्ड का थर्ड के साथ में। ठीक है, दिस इज डन। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग, दिस इज द कोडेड वर्ड, दिस इज द ओरिजिनल वर्ड, एंड मेरे को कोडेड दिया हुआ है, इससे मेरा रिलेशन क्या निकल रहा है, +1। इससे मेरा रिलेशन क्या निकल रहा है, +1। तो m के बाद क्या आना चाहिए, m के बाद,
एन आएगा, ई के बाद एफ ओ एफ टी जे टी, यही मेरा आंसर है। तो इस टाइप के सम्स के लिए स्टेप क्या है, बाय कंपेयरिंग द ओरिजिनल एंड द कोडेड वी विल फाइंड आउट द रिलेशन द लॉजिक अप्लाइड। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, द लॉजिक अप्लाइड, एंड देन हमको या तो कोडिंग करने बोलेगा या डिकोडिंग करने बोलेगा। अगर प्लस वन इज द लॉजिक, कोडिंग में तो स्ट्रेट अप्लाई करेंगे, अगर डिकोडिंग करने बोलेगा तो उल्टा हो जाएगा माइनस वन। अगर लॉजिक प्लस वन है तो कोडिंग करने का लॉजिक प्लस वन है, तो डिकोडिंग करने का लॉजिक क्या होगा, रिवर्स ऑफ कोडिंग, तो प्लस वन का रिवर्स क्या होगा, माइनस वन। नोट इट डाउन, इफ द लॉजिक ऑफ कोडिंग इज प्लस वन, इफ द लॉजिक ऑफ कोडिंग इज प्लस वन, इफ द लॉजिक ऑफ कोडिंग इज प्लस वन, then the logic of decoding, then the logic of decoding will be minus one. If the logic of coding be plus one, then the logic of decoding is minus one. तो एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, कोडिंग करने बोला है या डिकोडिंग करने बोला है, ठीक है। एग्जाम्पल सेवन, अगर टैप को कोड किया जा रहा है एस जेड ओ, तो टी के पहले एस आता है, पी के पहले ओ आता है, तो लॉजिक इज माइनस वन, लॉजिक इज माइनस वन। अब फ्रेंड को कोड करना है ए बी सी डी ई एफ, तो पहला वाला आएगा ई, Q, G, H, E के पहले D, N के पहले M, D के पहले C. The answer is EQH DMC. Decoded होता तो प्लस वन होता, वो भी नोट कर लो। अगर तुमको लग रहा है कि तुमको इस पार्ट में कंफ्यूजन हो सकता है तो यू कैन नोट इट डाउन। If the logic of coding is minus one, then the logic of decoding will be plus one. If the logic of coding is minus one, if the logic of coding is minus one, then the logic of decoding will be, then the logic of decoding will be plus one. अभी तक हम लोग ऐसा सम्स में आए नहीं है कि मेरे को डिकोडिंग करना पड़ रहा है। जितना भी एग्जाम्पल मैंने किया सब में कोडिंग करना पड़ रहा है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है आपके एग्जाम में डिकोडिंग पूछ सकता है। इन अ सर्टेन कोड मेंशन इज रिटन एज एल एन ई आई टी एन ओ, हाउ इज प्रेजेंट रिटन इन दैट कोड। अब इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो पहले, इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा ध्यान से सुनिए। पहले आप मेंशन लिखिए और मेंशन का मेरे को नंबर्स बताइए, मेंशन का नंबर्स बताइए, क्या क्या नंबर्स आ रहा है, चलिए फटाफट। एम का नंबर क्या होगा, सर 13, एम का 13 है, ई का 5 होगा, एन का, एन का 14 होगा ना सर, एम एन 14, टी का 20 है शायद, इसका 9 होगा शायद, 9 इसका सर 15, ओ का 15 है, चलो ये हो गया। दिस इज द एक्चुअल नंबर्स। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को लिखना है कोडेड वर्ड का, एल एन ई आई टी एन ओ,
तो एल का कितना है? हाँ, ट्वेल्व एल का 12 है। ई फाइव आई नाइन टी का टी फाइव, ट्वेंटी आई का 9, टी का टी टू ट्वेंटी, ट्वेंटी एन का 14, ओ का 15। ओ का 15। हो, ये है मेरा लॉजिक। अभी अभी हमको बैठाना पड़ेगा कि लॉजिक क्या लग रहा है। दिमाग लगाओ, क्या लग रहा है लॉजिक में? सर इसमें वो फर्स्ट लेटर में एक नंबर पीछे गया और बाकी को इंटरचेंज कर दिया, बाकी पेयर्स को। हाँ बोलिए, क्या लॉजिक लगा है यहाँ पर? हाँ, सर इसमें फर्स्ट लेटर में एक नंबर पीछे कर दिया और बाकी वो पेयर्स को इंटरचेंज कर दिया। मतलब देर ऑल टुगेदर दे आर नंबर्स इंटरचेंज है, खाली एम को एक के पीछे करके। पहला वाला को छोड़ के नंबर इंटरचेंज कर दिया है और पहला वाला को एक स्टेप बैकवर्ड किया है। ये चीज आपको तभी समझ में आएगा जब आप ऐसे कोडिंग लिखेंगे, वरना समझ में नहीं आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये नंबर्स लिख के समझ में आ रहा है? देखो, ये रिवर्स हो रहा है, ये रिवर्स हो रहा है, ये रिवर्स हो रहा है, सिर्फ पहला वाला में -1 हो रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट में हम लोग लिख सकते हैं ये ER हो जाएगा, ये ES हो जाएगा और ये TN हो जाएगा। P के पहले क्या आता है? O। यस सर। चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई करिए, देखिए आ गया ना डिकोडिंग। लॉजिक निकालिए, लॉजिक निकाल के रिवर्स करिए। लॉजिक निकालिए, लॉजिक निकाल के रिवर्स करिए। लॉजिक क्या आ रहा है पहले वो बताइए। +1 आ रहा है ना लॉजिक? सर लॉजिक सबका बाद वाला नंबर। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? कोडेड वर्ड दिया हुआ है ना। इफ +1 इज द लॉजिक फॉर कोडिंग, देन व्हाट शैल बी द लॉजिक फॉर डिकोडिंग? -1। तो हॉर्स का -1 करना है मेरे को। एच के पहले क्या आता है? जी। O के पहले N, R के पहले Q, S के पहले R, E के पहले D। सर इसमें -1 नहीं किया गया कोड, सर एक सेकेंड। कैरम ऊपर नहीं, तो है। माइन लॉजिक इज -1। ये लोग उल्टा किया, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। वेट, मेरा बात सुनिए ध्यान से। ये लोग किसको किसमें कोड किया है? ये लोग इसको इसमें कोड किया है ना, तो लॉजिक इज -1।
ओरिजिनल लॉजिक, तो डिकोडिंग का लॉजिक क्या होगा? प्लस वन. डिकोडिंग का लॉजिक प्लस वन होगा, तो एच के बाद आएगा आई, ओ के बाद पी, आर के बाद एस, एस के बाद टी, ई के बाद एफ. दिस इज द आंसर. हम लोग रिवर्स करके नहीं करेंगे, हम लोग ये वाला मेथड नहीं करेंगे. हम लोग नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे. हम लोग नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे. हम लोग नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे. इफ माइनस वन इज द लॉजिक फॉर कोडिंग, इफ माइनस वन इज द लॉजिक फॉर कोडिंग, देन प्लस वन इज द लॉजिक फॉर डिकोडिंग, देन प्लस वन इज द लॉजिक फॉर डिकोडिंग. आई होप नाइन नंबर सबको क्लियर है. यस और नो? हाँ सर. यस सर. कल के मॉक टेस्ट में पूरा नंबर आना चाहिए आपका. अब किसका? हम लोग का, जो बोल रहा हूँ लोग का. तुम सबका आना चाहिए. चैप्टर वन और टू ही तो है, नंबर सीरीज और डायरेक्शन टेस्ट. इतना सारा सब हो जाएगा सर, हो जाएगा. 80% तो आ जाएगा. चलो, ए को वन, बी को टू, मतलब जेड को 26. अगर ए वन है बी टू है, इसका मतलब जेड 26 है. यस और नो? यस सर. मतलब ये ओरिजिनल कोडिंग है. तो ए वन हो गया, आई का कितना 9 है ना, सी का 3 9, तो मेरा आ गया. अगर आप देखेंगे पेंट और एक्सेल, तो हम लोग का जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन, आई गेस इट इज मल्टीपल चॉइस. यस और नो? तो ए का क्या आ रहा है? 4. तो स्टार्टिंग 4 से होगा. एन, एन इज 2. सी, सी इज 5. आई, आई इज हाउ मच? 1. वैसे करके निकालो. एन 2 है और टी 8 है. तो कैसे करना है? नंबर कोडिंग वाला क्लियर है? नेक्स्ट, नंबर टू लेटर. तो यहां पर रिवर्स बोला है. अभी क्या बोल रहा था? एबीसी इज 1 2 3. अब यहां पर उल्टा बोल दिया है. 1 को ए मान रहे हैं, 2 को बी मान रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? तो देख लो 4 में क्या बोला है. 4 को ए बोला है, तो जहां ए 4 है वहां ए पुट कर दो. 2 को पी बोला है, तो जहां 2 है पी पुट कर दो. 3 को एन बोला है, तो एन को 3 पुट कर दो. 5 को क्या बोला है? आर, तो आर पुट कर दो. 9 को क्या बोला है? क्यू, तो क्यू पुट कर दो. आ गया. तो इस टाइप का क्वेश्चन उस पीडीएफ में नहीं था, इसलिए आई ऑलवेज टेक रेफरेंस ऑफ 2 पीडीएफ्स, बिकॉज एलआर में बहुत टाइप का क्वेश्चन बन सकता है.
तो सिर्फ एक पीडीएफ के रेफरेंस से अपने सब टाइप के प्रॉब्लम को कवर अप नहीं कर पाएंगे, और दो रेफरेंस लेंगे तो ऑलमोस्ट 90-95% सम्स कवर अप हो जाएंगे हमारे, ठीक है। फिर आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह देंगे, ठीक है, पास्ट ईयर पेपर वगैरह हम लोग करेंगे, तो उसमें ऑटोमेटिक 100% पूरा अपना गो थ्रू हो जाएगा सर। एक क्वेश्चन था सर, हाँ सर आप ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं क्या अभी? हाँ चल रहा है ना, ठीक है, तो मैं आऊंगा तब। ठीक है। चलिए ऑड मैन आउट फटाफट देख लीजिए आप लोग, कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से। ऑड मैन आउट फटाफट देखिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। 13, 14, 15 13 वाला क्लियर है, 31, 31, 31, 30 तो ऑड कौन सा होगा? ये वाला होगा ना, सब इवेन है। और ये क्या है? ऑड नंबर, सब ऑड है, सब ऑड नहीं है, सब मल्टीपल ऑफ थ्री है, सिर्फ ये मल्टीपल ऑफ थ्री नहीं है। क्लियर है 13, 14, 15 सबको? चलिए 16, 17 करिए। सर 55, जो 51 है सर वही तो। हाँ समझ में आ गया कि सर फर्स्ट वाला 1 और 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस फिर 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है सर ये वाला मल्टीपल से। सर 51 बैठता नहीं, क्यों 21 आता है फिर जरा करके? हाँ इसमें ना आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा, आप डिफरेंस देखो, ये 1 और 5 डिफरेंस में 4 फोर है, का फिर है, ये 9 नाइन का है, है, ये 16 है, 16 का है, फिर फिर 21 25 होना का है, चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए 25। 25। तो ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे मूव करेगा, हाँ पर तो ये 51 इसमें गलत है। 51 गलत है। सब परफेक्ट स्क्वायर है इसको छोड़ के, सब परफेक्ट स्क्वायर है। डन। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइमर सेट करेंगे, बिकॉज विदाउट टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करना बेवकूफी है। मेरे हिसाब से 60 सेकेंड्स फॉर अ सम इज एनफ, मेरे हिसाब से। सर सर कल एक कल मॉक टेस्ट है क्या? कितना हाँ बजे से? कल कल बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे आज ग्रुप में। अच्छा, मेरे हिसाब से टाइमर लगा के करना चाहिए तो बेस्ट होगा। सबको अपना अपना टाइमर सेट कर लो, सबको अपना अपना टाइमर सेट कर लो, एंड स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 9 है। स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 9 है, टाइमर सेट करिए। अब मैं आपको कुछ कुछ चीज पहला सब में बताना चाहता हूं। पहला सब में जो अप्रोच यूज हुआ है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? पहले तो आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग ट्रेंड है
यस और नो? यस सर। इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। तो लास्ट नंबर 56 है, तो 42 और 51 तो ऐसे ही आंसर नहीं हो सकता है ना? यस सर। सर इसमें गैप होता है, 5 का गैप है, 10 का गैप है, 15 का गैप है, 20 का, फिर 25 का गैप। लॉजिक होगा 81 इसका आंसर है। तो 56 प्लस 25 करेगा तो 81 इज द आंसर। है ना? चलिए बाकी ये ज्यादा अच्छा लगा मेरे को, तरीका तो सही था। ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शंस। सर नंबर 3 में आई थिंक इसका आंसर 31 है। तुम करते रहो, अपने आप से करते रहो, जहां भी मेरे को लगेगा बताना चाहिए मैं बताऊंगा। सेकेंड वाला सबसे हो गया है। लॉजिक क्या है? प्लस 90 प्लस 100 प्लस 110, तो प्लस 120 करेंगे तो 430। इसमें लॉजिक आ रहा है प्लस 2 प्लस 4 फिर 6 आ रहा प्लस 4। हाँ प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 तो 31। इसमें आ रहा है प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 तो 33 प्लस 15 इज 48। सर थोड़ा 8 नंबर बताए ना सर, कैसे होगा 8 नंबर? आएंगे धीरे धीरे करके सब में आएंगे, ठीक है? 8 नंबर में से नहीं देखो सर, डिक्रीजिंग ट्रेंड है ना, हाँ। रिवर्स ऑर्डर फॉलो करो। प्लस 13 प्लस 15 तो ये प्लस 17 होगा, 80 है इसका आंसर। हाँ तो प्लस 19 प्लस 21, ठीक है, तो मैच कर गया ना सीरीज। हाँ हाँ डिक्रीजिंग नोट कर लो, डिक्रीजिंग सीरीज में रिवर्स ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं। इसका क्या आ रहा है डिफरेंस? प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 तो 14 प्लस 6 20, प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15 तो 21 प्लस 15 36 प्लस 20 इज 56, तो मैच कर गया रेशियो। प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 तो 54 प्लस 16 इज 70। सर नंबर 10 का थोड़ा बताइए एक बार सर। आ रहे बाबू धीरे धीरे सब में आ रहे हैं।
एट नंबर वाला सबको क्लियर है? किसी को पूछना है एट नंबर? एनीवन? इसका लॉजिक होगा -21 / -19 / -17 - -15 - 13। नेक्स्ट वाला का लॉजिक क्या? नाइन नंबर का +2 + 4 + 8। इसमें टू का स्क्वायर, टू का क्यूब, टू टू द पावर फोर होगा सर मतलब इसके टू टू बाद। द पावर एन इज द लॉजिक। हाँ टू टू द पावर एन इज द लॉजिक। टू टू द पावर एन इज द लॉजिक। टू टू द पावर एन इज द लॉजिक। सर एक बार थोड़ा 13 नंबर देगा तो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा मेरे को। मेरे को लगता है सेकेंड इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। यस सर, एवरेज या फिर डिफरेंस। डिफरेंस तो नहीं बोल सकते हो, एवरेज बोलो। 45 और 15 का एवरेज 30 होगा। तो सर इसका मतलब कि 10 नंबर में सर हर, जैसे कि सर फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस होगा सेकंड है, तो सर जो थर्ड नंबर होगा वो सेकंड और फोर्थ का डिफरेंस होगा। नहीं, तीन तीन का पेयर है। अच्छा, तब सर ये जो है आपका 6848 जो है सर वो 5840 एंड नहीं, सेवन एट टेन फाइव नंबर सिक्स तुम का। तो मेरे से क्या पूछा? तुम अच्छा तेरा, आप 13 नंबर बोले सर, 13 नंबर। हाँ तो मेरे से 13 पूछा ना। टेन हाँ नंबर अच्छा में तो सबका डिफरेंस कांस्टेंट है, 1008 का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है 1008। एपी अच्छा सीरीज बोलते हैं इसको फिर, जिसका डिफरेंस कांस्टेंट हाँ, होता है, कॉन्स्टेंट डिफरेंस का तो एपी सीरीज वाली है सर। एपी सीरीज बोलते हैं। सर इसका मतलब तो आपका, तब इसका मतलब हो गया सर कि 45 और 15 का जो डिफरेंस होगा बीच का वही होगा सर, ये इसका आंसर। यानी सर 60 है, 60 का डिफरेंस 30, 30 इसका आंसर है। था ठीक है सर, क्लियर। क्या लगी क्यों? हाँ नहीं, इसको तुम इंडिविजुअली क्यों लोगी? ना 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 ना, इसका डिफरेंस सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस चेक करेंगे। एफओडी से नहीं होगा तो हम लोग दिमाग लगाएंगे। सर आपका जो ये 14 नंबर है सर, 14 का आंसर आई थिंक 184 होगा। पहले तुम डिफरेंस निकालो, कितना कितना डिफरेंस आ रहा सर 13 का, 26 का, 39 का और 52 का, फिर आएगा 65 का।
60 का फिर आएगा, 52 आएगा, फिर आएगा 65 ना, 65 यस। हाँ तो यही तो आंसर है। इसमें आ रहा है 11, फिर 22, 22 फिर 33 आएगा सर, तो फिर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क देगा, तो मतलब दो मिसिंग टर्म निकालना है, एक नहीं। अगर आपको एकदम भी नहीं समझ में आ रहा है ना, आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप गो बाय चॉइसेस भी कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क की जगह में वो वाला फिगर पुट करके देन यू ट्राई टू असेस क्या लॉजिक है, पैटर्न बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। बहुत बार क्या होता है, लॉजिक क्लियर नहीं हो पा रहा है, नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्वेश्चन मार्क में पुट कर दिया, फिर लॉजिक आना चाहिए। अगर लॉजिक आ गया मतलब ठीक है, नहीं आया तो बी पुट करके देखो, नहीं आया तो सी पुट करके देखो। लॉजिक शुड बी क्लियर। 16 में क्या आ रहा है, +3 आ रहा है, +6 आ रहा है, +12 आ रहा सर, +12 आ रहा, तो +24 हो जाएगा, +48। ये लॉजिक बैठना कैसे चाहिए। हुआ, 3 6 के बाद 12 हो रहा है, तो मतलब डबल हो जा रहा है ना। अच्छा हाँ 12 का 3 6 सही सर। 19 बता दीजिए। ये स्क्वायर और क्यूब है, पहले 1 का स्क्वायर है, फिर 1 का क्यूब है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 2 का क्यूब है, फिर 3 का स्क्वायर है, तो 3 का क्यूब मतलब 27 आएगा। ओके सर, मेरे को ऐसे पेयरिंग करके समझ में आया कि स्क्वायर क्यूब का रिलेशनशिप है। सर थोड़ा 18 नंबर बताइए तो सर क्या होगा, पहले तो 8 आएगा फिर 24 आएगा। ऐसे मत देखो, 18 तुम देखेगा तो +8 आ रहा है, उसके बाद +24 आ रहा है, 24 आ रहा सर, तो +72 आना चाहिए। हाँ ट्रिपल होगा सर उसका तो। हाँ तो (3) तो हो रहा है, देखो ना, 4 × 3 (12 × 3 (36 × 3 108 आएगा, 108 × 3 करोगे तो 324 आ तो जाएगा। 112 आएगा, 112 नहीं आएगा, 108 आएगा। 108 यस। ट्वेंटी नंबर में देखो एकदम स्लैश डिक्रीजिंग ट्रेंड है, जब बहुत ज्यादा डेविएशन होता है ना, इसका मतलब डिवाइड करना है, जीपी सीरीज होगा। देखो ये (2) हुआ है, ठीक है, तो ये (3) (4) (5) (6) ऐसे जा रहा है ये। सर इसका आंसर 48 आएगा। हाँ 48 आना चाहिए मेरे हिसाब सर से। अगर समझ लीजिए सर, किस एक ऐसा सीरीज आ गया सर जिसमें अगर कोई टाइप का पेयरिंग समझ में नहीं आ रहा हो, स्क्वायरिंग समझ, तो आप क्या करेंगे तब तो उसमें अभी तो सर? बोले ना, ऑप्शन पुट कर देना,
ऑप्शन ए पुट कर दिया, बी पुट कर दिया, सी पुट कर दिया, तो उससे लॉजिक निकल जाएगा मेरा। अगर ऑप्शन पुट करने का लॉजिक नहीं आ रहा है तो हम लोग ऑप्शन चेंज कर देंगे, ए की जगह बी पुट कर देंगे, बी की जगह सी पुट कर देंगे। सर अगर अगर चार ऑप्शन सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट ना मिले सर, जो ऐसा सबसे सबसे ऐसा एप्रोप्रिएट तो होगा उसको रख देंगे ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे, ऐसा तो नहीं होगा। सर वर्स्ट सोच के रखना पड़ता है सर इस वर्थ बार सोच के रखना कंप्लीट। है तो फिर वो तुम फिर उस चीज को क्रैक नहीं कर पा रहे, मतलब फिर और तो क्या बोलेंगे, मतलब क्योंकि तुम ऑप्शन पुट करके भी अगर लॉजिक नहीं निकाल पा रहे तो वो कहीं हम लोग का ही फॉल्ट रह गया, मतलब उस क्वेश्चन को समझने में। इसीलिए ओके तो इतना प्रैक्टिस करे ना, वरना चार सम्स करवा देते तो ही चैप्टर खत्म हो जाता है। ये बार बार इतना सारा सम्स प्रैक्टिस क्यों करवा रहे, ताकि तो हर टाइप का रेयरिटी है ना सर, मतलब ये रेयरली ऐसा होगा। मतलब ठीक है ना। अभी तो अपने आगे और भी प्रैक्टिस करेंगे, हाँ तब हाँ देखते हैं हाँ वैसा कोई सिचुएशन अपने सामने आता है कि नहीं आता है। ठीक। +1 × 3, +1 × 3। Divide by 2 × 4। +30 + 60, +30 + 60। +30 ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट है एग्जाम में क्रैक करना। +1 × 1, +2 × 2, +3 × 3। ये वाला पैटर्न कैसे फॉलो होता है थोड़ा बताइए, एक्सप्लेन करिए थोड़ा सा एक बार। देख देखो, देख यहां पर 1 का डिफरेंस है, यहां पर 0 का डिफरेंस है, हाँ। यहां पर 2 का डिफरेंस है, यहां पर डबल हो रहा है, यहां पर 3 का डिफरेंस है, यहां पर ट्रिपल ट्रिपल हो हो रहा जा है, रहा फिर है। जो 4 का डिफरेंस होगा उसका 4 गुना हो जाएगा फिर। तो ये समझ में आ गया ना कि +1 के बाद × 1 हो रहा है, +2 के बाद × 2 हो रहा है। जब बहुत बड़ा सीरीज देगा ना तो वो पेयरिंग करके अपने को देखना पड़ेगा। अच्छा सर, इसका मतलब 42 है, इसका मतलब फोर्टी थ्री फोर्टी होगा। थ्री हाँ 4 टाइम्स हो रहा ना फिर उसके बाद। -1 है देखो ना, 8 − 1, 27 − 1, 64 − 1, 125 − 1, 216 − 1, एक्सेट्रा। तो 343 − 1 = 342, +4 + 8 + 16
प्लस 32 प्लस 64 सर 26 में इंटू 2 प्लस 1 भी तो हो रहा है ना, 26 में क्या हो रहा है सर नंबर डबल करके ये क्या हो रहा रहा है? इंटू 2 प्लस 1 भी कर सकते हो। सर 27 नंबर दोबारा सर एक बार 27 नंबर। इसका पहले डिफरेंस निकालो। सर पहले 20 आएगा, तो एटी यार सर आपका 20 एट 88। हाँ 88 आ रहा है, उसके बाद 468। 496। हाँ 496। बस इसका बाद सर 496 थोड़ी होगा, पता नहीं, ये जो बोल रहा है वही लिखा है। जब ऐसी तरफ से 468 होगा सर, कितना होगा? कैसे भाई? फोर देखो आप 468 ही हो, कैसे भाई? क्या होता है भाई 584 माइनस 116 कितना होगा? एक नंबर तो आ ही नहीं सकता ना। अच्छा हाँ, ले मेरे को सिली मिस्टेक हो गया। मेरे हिसाब से देखो, तुम अगर देखेगा ध्यान से तो यहां पर तुमको यहीं से लॉजिक निकालना पड़ेगा। ये तीन से ही तुमको लॉजिक निकालना पड़ेगा। अब गैप बहुत बड़ा है, गैप बहुत बड़ा है, राइट? अरे बोलो ना। हाँ 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 सर। सर और मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं आ रहा है, नहीं मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं आ रहा है। तो ये ना हम लोग का मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से इसमें एक तो कांस्टेंट टर्म है, एक तो कांस्टेंट टर्म है इसमें। सर, इसमें इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 ऐसे ही इंटू हो रहा सिक्स है, वो तो पता ही है, लेकिन अपने एग्जाम में पहचानेंगे कैसे? वो तो मेरे को भी पता है कि इंटू 3 प्लस 4 होगा, फिर इंटू 4 प्लस 4 होगा, इंटू 5 प्लस 4 होगा। ये ठीक है, दिस इज ओके, बट अप्रोच में क्या बोल रहा हूं कि जब बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा ना नंबर में, तो मल्टीप्लीकेशन या डिविजन यूज हुआ है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में या डिक्रीजिंग ट्रेंड में। तो 8 और 28 को कंपेयर करो, तो या तो इंटू 3 होगा प्लस 4, या इंटू 4 माइनस 4 भी हो सकता है। चीज समझना। उसके बाद आदमी क्या सोचता है, नेक्स्ट वाले में ट्राई करते हैं, 28 इंटू 3 प्लस 4, आंसर नहीं आएगा। तो इंटू 4 प्लस 4 करके ट्राई कर रहा है तो आंसर आ जा रहा है। अब उसको लॉजिक क्लियर हो रहा है, इंटू 3 प्लस 4 कॉन्स्टेंट है, इंटू 4 इंटू 5। तो ये जब बहुत ज्यादा ऐसे गैप रहेगा ना, तो मल्टीप्लीकेशन करके आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या है। मतलब आप रेशियो निकालो ना, 28 डिवाइड बाई 8 करो, क्या आ रहा है फैक्टर? 28 डिवाइड बाई 8 करो, फैक्टर क्या आ रहा है? चलो सब कोई 28 डिवाइड बाई 8 करो, कितना आ रहा है? हेलो, 3.5 आ रहा है। यस सर 116 डिवाइड बाई 28 करो, 4.14 आ रहा है। 584 डिवाइडेड बाई 116 करो,
5.03. इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन में 3, 4, 5 आ गया। अब जो बैलेंस होगा वो प्लस में लिख दो, तो प्लस वाला कांस्टेंट पकड़ा गया, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, इंटू 6 प्लस 4, तो करो 584 इंटू 6 प्लस 4 कितना आता है, 3508 3508 3508। तो इसके लिए तरीका लिख लो, इसके लिए तरीका लिखो, फर्स्ट कैलकुलेट द रेशियो इट विल हेल्प यू इन अप्लाइंग द लॉजिक जैसे यहां पर क्लियर है, इंटू 2 प्लस 1 हो रहा है, इंटू 2 प्लस 2 हो रहा है, इंटू 2 प्लस 3 हो रहा है, तो फिर इंटू 2 प्लस 4 होगा, 59 इंटू 2 118 प्लस 4 122। यहां हो रहा है +5 +20 +80 +320, तो प्लस कितना होगा, 1280। यस सर, 1707। ये तो देख के समझ में आ रहा है, ऐड हो रहा है, 5 + 2 7 7 + 2 9 9 + 7 16 25 41 तो 66। सबका हुआ 30 नंबर तक? हाँ सर, हो गया मेरा 32 तक हो गया। यस सर, हो गया। चलो आगे करते रहो। चलो LHID का बार आता है E। मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन भी भेजा है ग्रुप में। सर इसका शायद ऑप्शन बी होगा, 31 का ऑप्शन बी होगा। आंसर्स आप चैट बॉक्स में लिखते रहिए। सर तो 33 बताइए ना सर एक बार। आर का नंबर क्या है, आर ई और डी का नंबर? सर 67। सर आर का 6 होगा, ई का 7 होगा, और डी का 2 होगा, और 0 तो रहेगा ही नहीं। हट, ऐसे थोड़ी होता है, आर का नंबर लेटर में जैसे ई का 5 होगा, हाँ डी का 4 होगा, आर का 18, आर का 18 हो रहा है ना।
और नंबर क्या है 6720, हम्म, तो रिवर्स करके प्लस टू, रिवर्स करके प्लस टू। यस सर, ग्रीन का भी सर सेम नंबर निकाल के रिवर्स करें, प्लस टू कर देंगे। हाँ देखो ना, 18 को मैच करो 20 से प्लस टू हो रहा है, 4 को मैच करो इससे प्लस टू हो रहा है, 5 को मैच करो प्लस टू हो रहा है, तो रिवर्स करके प्लस टू। ए का 1 है, एफ का 6 है, टी का 20 है, जोड़ दो तो 27 आ रहा है, तो वैसे ही फेथ का अलग अलग लिख के जोड़ दो, एडिंग द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द लेटर्स, एडिंग द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द लेटर्स, एडिंग द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द लेटर्स। सर 44, 44 अब जो होशियार होगा ना, वो एफ ए टी का तो निकालेगा ही नहीं, सिर्फ आई और एच का निकाल के हाँ, सिर्फ सत्ताईस आई और एच से, का निकालेंगे सर। यस आई और एच का निकाल के 27 से जोड़ देगा, आई का 9 और एच का 8, तो 44 आ गया। तो क्वेश्चन दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया है, तुम अगर सही अप्रोच फॉलो नहीं करेगा तो तुमको टाइम बेसी लगेगा ही, तुमको टाइम बेसी क्यों नहीं लगेगा। थर्टी फाइव का आंसर क्या आ रहा है? सर ऑप्शन ए 254, 284। ये वाला 36 36 का टाइमर चल रहा है, फटाफट करो। सर ऑप्शन सी 825, 1896। भाई ये तो मैच कर रहा है और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो यही तो आंसर होगा। क्या कर रहे हैं तुम लोग? CAL 825 सर्च कौन सा ऑप्शन में है? अब यहां मोटल बोला है, टी टी बीच वाला लेटर है, एट किस में? बीच में एट है,
इसमें नहीं है काटो, इसमें नहीं है काटो, इसमें है ओ, यहां से थर्ड वाला लेटर टू, टू सेकेंड में है, नहीं है काटो, तो ये हो गया मेरा आंसर आ गया। अब यहां पर पहला लेटर पी है तो देखो सब जगह ही टू है, दूसरा लेटर ई है, ई का फोर है, तो टू फोर कहां है, सिर्फ एक ही में है, तो यही मेरा आंसर हो गया। अब यहां उल्टा करना है, एट, एट मतलब एन, एन से स्टार्टिंग एक है, टू, टू मतलब जी, एन जी, उसके बाद वन, वन इज एल, एल एन जी एल, उसके बाद में फोर, फोर इज ए, तो ये राइट हो गया। मेरे हिसाब से रिवर्स ऑर्डरिंग में नंबरिंग हो रहा है। ए से जेड क्या होता है, एक से 26 होता है ना, और जेड से ए क्या होता है, 26 से 1। यस सर, तो ये रिवर्स ऑर्डरिंग हो रहा है। देखो ना, के का वैल्यू क्या है, 7 है, जे का वैल्यू क्या है, 6 है, और एल का वैल्यू 8 है, तो रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, एल 8, के 7, जे 6, तो एफ 5 होगा, यहां तो एफ 2 दे दिया ये लोग। ए बी सी डी ई एफ, क्रैक करो इसका क्या होगा सर, ऑप्शन सी होना चाहिए क्योंकि जे की वैल्यू 6 है और ई की सर 1 है, 6 1। मतलब यहाँ पर सबका नहीं मिलेगा, हम लोग को स्पेसिफिक मिलेगा, जे का 6 है, जे इज इन थर्ड प्लेस, तो बीच में 6 कहाँ है, 2 में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, और ई का वैल्यू 1 है, तो 1 ये कैंसिल हो गया, तो यही मेरा आंसर है। यू कैन नॉट सर्च फॉर एवरी लेटर, यू हैव टू सर्च ओनली फॉर द गिवन लेटर एंड फाइंड इट आउट। लॉजिक लगाओगे तो आपको आ जाएगा लॉजिक, ओरिजिनल ऑर्डर माइनस ओरिजिनल ऑर्डर माइनस 4, लॉजिक इज ओरिजिनल ऑर्डर माइनस 4, 40 का लॉजिक इज ओरिजिनल ऑर्डर माइनस 4। ये तो बहुत सिंपल है, 5 8 2 4,
इसमें शायद लॉजिक प्लस टू का हो रहा है, देखो। यस सर। सर 43 में भी प्लस टू है, इसमें भी लॉजिक प्लस टू है। सर 43 का ए होगा। 43 का कितना हो रहा है ए? फोर्टी तो 46 बहुत सिंपल है, जेड इज 6, डी इज 1, उसके बाद आर आर टू, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। उसके बाद सी, सी इज 8, उसके बाद वी, वी इज 7, तो ये वाला भी कट गया, ये वाला भी कट गया, तो ये आंसर है। डब्लू, डब्लू इज 3, एन, एन इज 4, तो ये कट गया, सी इज 8, एस, एस इज 9, तो ये कट गया, उसके बाद जेड, सिक्स सर ऑप्शन डी। तो ये हो गया। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में क्या समझ रहे हैं, पीछे से स्टार्ट करो, देखो जो नंबर कॉमन है वो निकाल के फायदा नहीं होगा। जैसे पहला नंबर सबका कॉमन है तो W निकाल के फायदा नहीं होगा, लास्ट नंबर सबका कॉमन है V निकाल के फायदा नहीं होगा, सेकेंड लास्ट अलग है, अब जैसे थर्ड वाला सबका सेम है तो निकाल के फायदा नहीं होगा थर्ड वाला, तो कॉमन प्लेस को निकाल के फायदा नहीं है, जो अनकॉमन प्लेस है उसको सर्च करना है। जैसे एन का वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 3 में है, 1 में नहीं है, तो 4 भी निकाल के फायदा नहीं होगा, बट ऐसे करके ऑप्शन एलिमिनेट करना है हम लोग को। जैसे अब देखो ये वाला सब में ट्राई करते, आर, आर का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, स्क्रीन अजीब आ रहा है क्या तुम लोग का, कि ठीक आ रहा है स्क्रीन? सही आ रहा सर। ठीक है, तो आर का क्या है, आर का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आर का 2 आ रहा है, तो आर निकाल के फायदा नहीं होगा, पहला वाला तो ऐसे ही कैंसल है क्योंकि 6 लेटर है, पहला वाला में 5 ही है, और एस निकाल के भी फायदा नहीं होगा। हम लोग वी का वैल्यू देखते हैं, वी का वैल्यू क्या है, 7, तो सेकेंड लास्ट वाला 7 इसमें नहीं है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एफ का वैल्यू, एफ इज 5, 5 5 5, सेकेंड लास्ट 5 5 5, सब में 5 है, उसके बाद हम लोग देखेंगे एन, एन इज 4, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा,
अब ये सब क्वेश्चन में मल्टीपल लॉजिक लग रहा है, करके देखो। सर 47 में माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वेरी गुड, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन। ये वाला सिमिलर टाइप का है, ये तो ऐड करके देख लेना तो आंसर आ जाएगा, तो सेंटा क्रूज का भी ऐड कर देना। इसमें ऑलरेडी बोल दिया सेवन को क्या मानना है, टू को क्या मानना है, नंबर दिया हुआ है, पुट करके लेटर्स निकालना है। चलिए करिए, फटाफट करिए। सर स्क्रीन हट गई है, स्क्रीन हट गया है, स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। नो सर, वीडियो भी अटक गई है, बस आवाज आ रही है। ओ Am I audible? Yes, sir. Is my screen visible? Yes, sir. हाँ, तो इसमें तो ऑलरेडी हम लोग को लेटर्स वगैरह दिया हुआ है। Yes, sir. इसका D होगा 51 मैं कराऊंगा आप लोग को। 49 का आंसर पहले बताइए क्या है। 123 आ रहा है क्या सब लेटर्स को ऐड करके? यस सर। वन इज एम, एट इज डी, फोर इज बी, सिक्स इज जे, थ्री इज आई एंड टू इज एल। 51 इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, हम लोग हो सकता है पहले किए हों बट फिर भी हम लोग समझेंगे। 256 बोल रहा है यू आर गुड एंड 637 में बोल रहा है वी आर बैड, तो इस दोनों में कॉमन क्या है?
आर कॉमन है, इसका मतलब आर का वैल्यू बिकम 6। सिमिलरली 637 में वी आर बैड एंड 358 में गुड एंड बैड, दोनों में कॉमन 3 है, इस दोनों में कॉमन बैड है, मतलब बैड का मतलब हो गया 3। यस और नो? और हम लोग इसको कंपेयर करेंगे यू आर गुड के साथ में, जो कि आपका 256 है, तो गुड इज कॉमन, 5 इज कॉमन, मतलब गुड क्या हो गया 3, 5। यस सर। तो गुड एंड बैड में हमसे एंड का मतलब पूछा है, तो गुड इज 5, बैड इज 3, तो बचा क्या 8 बचा ना? यस सर। तो एंड का मतलब 8 हो गया, एंड का मतलब क्या हो गया 8, कंपेयर करके निकलेगा। पहले फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करो तो आर का वैल्यू आएगा, सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करो तो बैड का वैल्यू आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करेंगे तो गुड का वैल्यू आ जाएगा, तो गुड एंड बैड में गुड एंड बैड आ गया, तो बचा जो एंड। चलिए फटाफट, 3 मिनट बचा है हम लोग को, ऑड वन आउट कंप्लीट करना है। पहला वाला का आंसर क्या होना चाहिए? फिफ्टी टू का आंसर क्या होना चाहिए? 15। क्योंकि ये नॉट अ प्राइम नंबर। रीजन क्या है? नॉट अ प्राइम नंबर। 53 में 23, नॉट अ इवन नंबर। 54 में 24, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 55 में क्या होगा सर? +2 हो रहा है, +4 हो रहा है, +6, +8, +10। ये एक्चुअली क्या होना चाहिए 71 के बाद में? 83 के बाद में क्या होना चाहिए? +14। तो ये गलत है। +56 में क्या होगा? 73 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 57 में क्या होगा? 19। यस सर। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 58 +4 +9 +16, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, तो फिर 5 स्क्वायर होना चाहिए था ना, तो 49 गलत है ना? यस सर। फिफ्टी नाइन में क्या लॉजिक लगेगा?
अरे बोलो 59 में क्या लॉजिक लगेगा? बच्चा बाड़ी फर्स्ट डिजिट इज द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, तो ये वाला गलत है। प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, तो ये 19 होना चाहिए था। माइनस वन माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस सेवन, तो ये 36 होना चाहिए था। फाइन, यस सर, हो गया ये वाला हम लोग का। तो हम लोग 3 बजे स्टार्ट किए थे, 3:03 में। अगर आप टाइमर देखोगे तो 1 घंटा में वी आर एबल टू सॉल्व 61 सम्स। तो हम लोग को कोशिश करना है टू क्रैक द लॉजिक विद बिटवीन 30 to 45 सेकेंड्स। हमारा टारगेट ये होना चाहिए एलआर का कि कोई भी लॉजिक होगा हम लोग 45-50 सेकेंड में उसको क्रैक कर ले। इज इट डन? यस सर। मैं डायरेक्शन टेस्ट का पीडीएफ भेज दे रहा हूं आपको, भेजा हुआ है, मैं सॉल्यूशन भेज दे रहा हूं, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। कल आपका मॉक टेस्ट है, ठीक है, एंड कल अपने जो सिटिंग अरेंजमेंट का बचा हुआ पोर्शन है वो भी कंप्लीट करेंगे। ओके ओके सर, चलिए बाय, थैंक यू सर।